हाय गाइस, आज मैं आपके साथ चावल की बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने एक छोटी कटोरी चावल ले लिए थे, 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लिया और 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और गैस को ऑन कर दिया है। इसमें 1 लीटर दूध डाल देंगे और दूध में एक उबाल आने देना है हमने। बहुत ही आसानी से बन जाएगी ये खीर। गाइस, दूध में ये एक उबाल आ चुका है। दूध को हिला लेंगे एक बार और इसमें जो हमने चावल लिए थे 1 कटोरी वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो 1 कटोरी जो जिस कटोरी में हमने चावल लिए थे उसी कटोरी में हम चीनी ले लेंगे। 1 कटोरी चीनी दूध के साथ डालने से खीर में बहुत ही अच्छा कलर आता है। अब ये मैंने 7 से 8 बादाम ले लिए थे, इसे कट कर लिया है बारीक। इलायची के दाने निकाल लिए हैं, 5 से 6 काजू ले लिए हैं, इन्हें इस तरीके से कट कर लिया है और 2-3 अखरोट की गिरियां ले ली हैं, इन्हें भी कट कर लिया है। इन्हें अब हम खीर में डाल देंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट पाउडर भी डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देना है हमने और इसे 20 से 22 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अगर आप मीडियम फ्लेम पर पकाते हैं तो ये 10 से 12 मिनट में ही पक जाएगी और बीच बीच में चलाते रहेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है ये। देखिए गाइस, हमारे 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। गैस को बंद कर देंगे हम। बहुत ही टेस्टी लग रही है ये, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मुझे मोटिवेशन दें ताकि मैं अपनी हर रेसिपी की वीडियो आप तक पहुँचा सकूँ और आगे भी और रेसिपीज़ बना सकूँ। अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे।